ऐसा मुशरिकीन मक्का ये कह रहे हैं, क्या मरने के बाद हड्डी चूरा होने के बाद क्या हम उठाए जाएंगे? अल्लाह कह रहा हाँ। दूसरी बार कैसे उठाए जाएंगे इसका एग्जाम्पल कभी नहीं दे सकते, तो पहली बार कैसे बने थे वो देख लो, दूसरी बार तो खुद ईमान ला लो। पहली बार कैसे बने थे? कैसे बने थे? पानी का एक खतरा थी, इधर भी पानी का एक खतरा था, दोनों खतरे मिले और एक नई मखलूक पैदा हो। ऐसा कभी देखे आपने? दो लिक्विड मिलने के बाद तीसरी मखलूक बनती है? इम्पॉसिबल। दुनिया में करके बताओ। पानी के खतरे से हड्डी गोश्त गोश्त उसमें कितने प्रोटीन्स अलग अलग हैं, दिल अलग बना हुआ, गुर्दा अलग बना हुआ, मैदा अलग बना हुआ, आपकी आंखें अलग बनी हुई, हर चीज अलग है। कुछ जिल जो है स्ट्रेच होती है, कुछ जिल नॉन स्ट्रेचेबल है। कोनी कितनी स्ट्रेच होती है? कैसा अल्लाह देख, कितने अलग अलग प्रोटीन्स है। हड्डी है, हड्डी के ऊपर कुछ है, हड्डी के अंदर कुछ है। और ऐसी अजीब वगैरह मखलूक इंसानी जिसमें 1 लाख प्रोटीन्स है। प्रोटीन अलग अलग अज्जा, बाल अलग अज्जा बने हुए, गिल अलग अज्जा, नाखून अलग अज्जा बना हुआ है, नाक अलग अज्जा बना है, सांस लेने का सिस्टम अलग है, फेफड़ों का अलग, हर चीज प्रोटीन से डिफरेंट टाइप। एक पानी की बूंद में एक छोटा सा स्पर्म होता है, तो हाथ ना दिख सकता हाथों से, ना महसूस हो सकता हाथ से, तो एक खतरे पानी के अंदर, मनी के अंदर बिलियन की तादाद में होता है। उसमें से कोई एक कामयाब होता है जो माँ के अंडे के साथ मिलता है, रब्बुल इज्जत उनकी मिलाद से बाद में उसको अलग 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 शक्ल देते 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 उसको खलक नाखिर वैसा पैदा कर देता तुम देखते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में 6 स्टेज बयान की इंसान की पैदा, 6 की 6 स्टेज आंखों से देखने वाले हैं। ठंड नुतफा अलखा मुदगा इजामा लहमा खलक नाखिर 6 स्टेज। नुतफा पानी की बूंद, अलखा कोई चीज जो लोथा खून का चिपका हुआ जैसा जोंक चिपक जाती है ना, नुतफा अलखा मुदगा ऐसी कोई चीज जो चबाई हुई है। ठीक, उसके बाद जो अल्लाह फरमाता है कि इजामा हड्डियां उसके अंदर आ जाती है, लहमा 5वां स्टेज उस पर बोझ चढ़ा जाता है, खलखना फिर उसके बाद वो एक अलग ही मखलूक बन जाता है। मतलब तब तक वो अजीब दिखता है लेकिन अब एक बच्चे की शक्ल लेके अलग मखलूक बन जाता है। तो आप देखिए, तो क्यों बयान किया साइंटिफिकली इतनी बारीकी से इंसान की पैदाइश? इसलिए बयान की गई कि जब पहली बार ऐसा पैदा कर सकता है तो दूसरी बार क्या मुमकिन। आज इंसान बोला हमको अगर डायनासोर की यही हड्डियां अगर पूरी मिल जाए तो उसके अगर चेन और कड़ियां हम डीएनए फलां से कुत्ते से बिल्ली से और मेंढक से और इससे मिलाकर छिपकल से मिलाकर हम एक डायनासोर फिर पैदा कर सकते। जब तुम इतनी बड़ी बातें कर सकते हो इंसान होकर, रब्बुल इज्जत के लिए क्या नामुमकिन है? जब पानी से पैदा किया पहली बार गौर करो तो दूसरी बार हड्डी से पैदा करना क्या नामुमकिन है उसके लिए? तो दूसरी बार पैदाइश को बताने पहली बार पैदाइश का तस्करा हो तो कुरान की आयतें साइंस के बारे में नहीं, साइंटिफिक नॉलेज भी उठा लो आप इससे, बट वो आयत अखीरे अखीरे बैरियर। तो अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।